नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बुधवार के दिन ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन दौलत और बिजनेस में भी तरक्की होगी। आप लोग को हम ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो कि आपको आपकी हर परेशानी से राहत दिलाते हैं। आज बुधवार के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है और यह दिन उन्हीं को समर्पित होता है। और कहा गया है कि बुधवार के दिन मूंग की दाल का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। बुधवार के दिन हरी मूंग के दाल लेना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन सवा पाव हरी मूंग लें, उसे पानी में डालकर उबाल लें। पहले थोड़ी देर के लिए भिगो दें, एक दो घंटे के लिए, फिर उसे उबाल लें और उसमें घी मिलाकर, चीनी मिलाकर, यानी उसमें घी और चीनी भी मिलाएं। इसके बाद उसे किसी गाय को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि यह करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। यदि किसी प्रकार का कोई कर्ज भी लिया हो तो वह भी तुरंत ही चुक जाता है। माता लक्ष्मी उसके हर कर्ज को उतारती है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारती है। विघ्नहर्ता गणेश जी को यह दिन समर्पित है, इसलिए बुधवार के दिन यह उपाय करने से गणेश जी पर कृपा होती है और गणेश जी की कृपा से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि कहा गया है कि विघ्नहर्ता गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। और बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर पूजा करना या उनका दर्शन करने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहा गया है कि इस दिन गुड़ और गाय के घी, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। इसका आप माता रानी को और गणेश भगवान को भोग लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की अति कृपा मानी जाती है और कहा जाता है कि अपार धन वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का दिन अति उत्तम माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की पूजा करें, उन्हें इन उपायों से प्रसन्न करें। आप लोग को अगर और भी कई उपाय जानने हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं, कोई संकट चल रहा है, उससे रिलेटेड हमारे चैनल पर हर एक उपाय डला हुआ है, आप जरूर देखिए। और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि वे भी इन उपायों का फायदा उठा सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री गणेश।